ये जितने परिवार के लोग हैं ना, ये न्यूज बनाने वाले लोग, इनको समझा दीजिए बड़े आदरणीय बड़े भैया जी कि ये लोग संभल जाएं। आपके बारे में तारीफ करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं भी आपकी तारीफ करता हूं, मैं भी आपका फैन हूं, फैन होकर मैं आपके कंपटीशन में बैठ गया। लेकिन आप जिनको सम्मान दे रहे हैं ना, ये आपके जो फैमिली के लोग हैं, इनको जो सम्मान आप दे रहे हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित करना बंद करिए। ये लोग सिर्फ खेसारी लाल यादव को गाली देते हैं यूट्यूब पे, उनको भला बुरा बोलते हैं, उनकी फैमिली के बारे में बोलते हैं, और आप उनको सम्मान दे रहे हैं, तो मैं क्या समझूं? इसका मतलब आप जानबूझकर इनसे करवाते हैं मेरे बारे में? आपके साथ रहने वाले लोग मेरे बारे में कहते कि चुज्जा है, उठा लेंगे ना, तब ये हो जाएगा तेरा का, तेरे को मेरे को तू तड़का करके आपके साथ रहने वाले लोग बात करते हैं मेरे बारे में। मेरे साथ रहने वाले किसी व्यक्ति को आप बता दीजिए, विशेष किसी भी व्यक्ति को जो आपको तू तड़का करता हो, नहीं करता है, क्योंकि वो संस्कार में रहते हैं, क्योंकि हम आपका सम्मान करते हैं। आपके साथ रहने वाला हर वो व्यक्ति खेसारी को तू तड़का करके बात करता है, तू रे तू तो जानता नहीं है रे, तू यहां बैठेगा रे, तू वहां बैठेगा रे, औकात इतना है, आपके नाम से हटा दिया जाए ना तो आप उसकी औकात इतनी है। सम्मान कर रहे हैं तो किसी को गाली ना दे, जिनका आप सम्मान, जिनको आप थाली में बैठा कर खिला रहे हैं और वो खेसारी को गाली दे रहे हैं, खेसारी को भला बुरा बोल रहे हैं, तो ये हमरा के खोदल मौत बाबू रे, खोद मौत हमरा के ना, तो हम खोदब नू तो हम खोद लेते हैं ना, खोद ले हम ट्रैक्टर से जोत दिले आ हेंगा के ओमे मकई बो दे, हते हते बाल हो रहा खै हलो जा गई तो खोदा खोदी ना बाबू, चुप रह तनी चुप रह दलो, मेरे के आदर से काम करे दलो, खोदा लो मत, ये हो गया वो हो गया, मार्केट में ऐसा हो गया, क्या हो गया बे है? हमारे फैन और इतने प्यार करने वाले लोग है ना कि कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल पवन सिंह का इवेंट था, जो कि एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस था यूट्यूबर को एक तरह से सम्मानित करने के लिए, तो कल पवन सिंह सम्मानित किए यूट्यूबर को और सपोर्ट किए काफ़ी अच्छा, तो ये सब देख के खेसारी लाल यादव को रहा नहीं गया और वो डायरेक्ट टारगेट करने लगे पवन सिंह को और बोलने लगे हैं कि आप जिसको सम्मान दे रहे हैं वो मुझे गाली देता है, और यहाँ तक ये बात बोल दिए हैं कि इसका मतलब आप ही करवा रहे हैं, आप ही गाली दिलवा रहे हैं उस यूट्यूबर से। तो यहाँ पर मानते हैं कि पवन सिंह के यूट्यूबर उनको गाली देते हैं, लेकिन यहाँ पर खेसारी लाल यादव को भी बोलना चाहिए कि हाँ मेरे भी जितने तरफ से यूट्यूबर हैं वो भी गाली वाली नहीं दे, आपको सपोर्ट में जो लोग न्यूज बनाते हैं उसको भी बोलिए वो भी डायरेक्ट गाली देता है। आप भी देखते होंगे तो आपको बुरा लग गया, इसमें पवन सिंह को बुरा नहीं लगता है, आपको सिर्फ बुरा लग गया, दोनों तरफ के यूट्यूबर को ही बोलिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दो।